दोस्तों आज के इस वीडियो से बात करने वाला हूँ रियलमी 9 सीरीज के बारे में। यहाँ पर आप लोगों में से काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि रियलमी 9 सीरीज के स्मार्टफोन कब आने वाले हैं, इनमें क्या फीचर्स होंगे, क्या डिटेल होगी। तो यहाँ पर दोस्तों रियलमी 9 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर ऑफिशियली कन्फर्म हो चुके हैं, और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो ऑनलाइन स्पॉट भी हो चुके हैं। साथ में इनके कुछ जो फीचर्स वगैरह है वो निकल के आ चुके हैं। तो सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूँ आपसे Realme 9 सीरीज के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन काफी समय से पहले ऑनलाइन सर्टिफाई हो रहे हैं, और दोस्तों कल यहां पर अब Realme 9 Pro Plus और Realme 9 i ये जो स्मार्टफोन है वो IMEI डेटाबेस पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गए हैं, जिससे इनका जो लॉन्च है वो और भी ज्यादा कंफर्म हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि Realme 9 Pro Plus ये जो स्मार्टफोन है वो पहली बार यहां पर Realme की नंबर सीरीज में लॉन्च होने वाला है। इसके पहले Realme 8 सीरीज, 7 सीरीज, 6 सीरीज में Realme की नंबर सीरीज में Pro Plus के नाम से कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ था। तो ये जो स्मार्टफोन है वो Realme 9 सीरीज का सबसे हाईएस्ट वाला वेरिएंट होगा। इट मींस अभी तक Realme 8 सीरीज की बात करें तो आपको 8 Pro सबसे हाईएस्ट देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब आपको Pro Plus जो वेरिएंट होगा वो Realme Pro के भी ऊपर देखने के लिए मिलेगा। अब बात करें यहां पर फीचर्स वगैरह के बारे में, तो फिलहाल यहां पर मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि कुछ जो फीचर्स हैं वो Realme 9 सीरीज के बारे में लीक होकर के आ चुके हैं। यहां पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो Realme 9 सीरीज पूरी आने वाली है इनमें आपको OLED डिस्प्ले और यहां पर Qualcomm के जो प्रोसेसर वगैरह हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और कहा जा रहा है कि जो Realme 9 स्मार्टफोन आने और दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि जो Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन है इसमें आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 870 का 5G प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर काफी तगड़ा है और लगभग ये फ्लैगशिप टाइप के स्मार्टफोन में ही देखने के लिए मिलता है। तो अब Realme 9 Pro Plus में अगर ये प्रोसेसर आता है तो देखना होता है कि प्राइस ये लोग क्या रखते हैं। प्राइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां पर होगी और प्राइस बहुत ज्यादा मैटर भी करेगी इस स्मार्टफोन के लिए। उसके साथ कहा जा रहा है कि जो Realme 9 स्मार्टफोन आने वाला है इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 778 का 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है, और जो Realme 9 i स्मार्टफोन होगा इसमें MediaTek Dimensity सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। उसके साथ दोस्तों डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइनिंग में भी फिलहाल उसके बाद दोस्तों काफी लोग बोल रहे थे कि डिजाइनिंग कैसी होने वाली है, तो डिजाइनिंग के बारे में तो कोई भी डिटेल नहीं है, कोई भी लीक इमेज भी नहीं है, बट आपको कुछ न्यू टाइप की डिजाइनिंग इस बार यहां पर देखने के लिए मिलेगी। कैमरे में ये लोग काफी ज्यादा यहां पर इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में कब लॉन्च होंगे और इनकी इंडिया में प्राइस क्या होने वाली। तो ये जो स्मार्टफोन है अगले साल ही आपको देखने को मिलने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी आपको काफी और बताया हुआ है। और एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो कहा जा रहा है कि जो Realme 9 i स्मार्टफोन होगा इसकी जो प्राइस है वो आपको 12-13 हज़ार रुपए के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। जो Realme 9 Pro स्मार्टफोन होगा, जो Realme 9 स्मार्टफोन होगा इसकी जो प्राइस है वो आपको 14-15 हज़ार रुपए के आसपास देखने के लिए मिल जाएगी। जो Realme 9 Pro स्मार्टफोन है वो आपको 20 हज़ार रुपए की प्राइस पे देखने के लिए मिल जाएगा, और जो Pro Plus है वो आपको 20 हज़ार से ऊपर की प्राइस पे देखने को मिलेगा। अब Redmi Note 11 सीरीज में Pro प्लस स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, तो अब ये लोग कैसे पीछे रह सकते हैं इन स्मार्टफोन को लॉन्च करने में। तो अब आपको Realme नंबर सीरीज में भी Pro Plus करके जो वेरिएंट है वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों फाइनली ये थी कुछ डिटेल इन स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में, मैंने सोचा जरूर से आपके साथ में शेयर करना चाहिए। अब आपका क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन के बारे में, आप इन स्मार्टफोन को इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या फीचर्स के साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों ये था उस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।